गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करेंगे, वैसे ही आज हम आपको सिखाएंगे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करेंगे। ये दो तरह से ड्राइव करेंगे, पहला फिगर फॉर्म में और दूसरा न्यूमेरिक फॉर्म में। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको प्रूव करने के लिए एक यहाँ पे स्क्वायर ड्रा करते हैं। ये ड्रा कर लिए। अब इस स्क्वायर की ईच लेंथ जो होगी वो ए मान लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे ए मान लिया। उसके बाद यहाँ पे इस साइड लेते एक कट लगा देंगे। अब ये साइड टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, जो कि छोटे पार्ट की लेंथ हम बी एज्यूम करते हैं। ये एज्यूम कर ली। अब रिमेनिंग पार्ट की लेंथ क्या हो जाएगी? ए माइनस बी। इसी प्रकार दूसरी साइड में भी हम एक कट लगाएंगे, जो ये कट इस साइड को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। छोटे पार्ट की लेंथ बी हो जाएगी। इसी प्रकार पूरे साइड की लेंथ यहाँ पे ए होगी, तो रिमेनिंग पार्ट की लेंथ क्या हो जाएगी? ए माइनस बी। अब इस कट को हम आगे बढ़ाते हैं और इस कट को आगे बढ़ाते हैं, तो ये एक दूसरे को जहां पे कट करते हैं तो ये पूरा फिगर हमारा एक स्क्वायर बन जाता है। इसी प्रकार इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हुए यहां तक ड्रा करेंगे तो ये पूरा फिगर एक रेक्टेंगल बन जाता है। इसी प्रकार एक फिगर ये बना, जो कि ये भी एक रेक्टेंगल है। तो इस स्क्वायर में हमें तीन फिगर बन गए। पहला फिगर ये जो कि स्क्वायर है, दूसरा जो कि रेक्टेंगल है, तीसरा जो कि रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे हम इसकी अगर साइड फाइंड करें तो इस ये साइड इसके पैरेलल है, तो अगर इसकी लेंथ ए होगी तो ये भी इसके बराबर होगी, तो इसकी लेंथ भी ए हो जाएगी। इसी प्रकार इसकी लेंथ अगर a माइनस बी है तो ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये इसकी लेंथ a माइनस बी है, तो ये भी a माइनस बी हो जाएगी। आइए अब हम राइट करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर कहां से आया? इससे, इस स्क्वायर से, इसका एरिया, क्योंकि ईच साइड इस स्क्वायर की a माइनस बी है, तो a स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अब इस पूरे स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर होगा। क्यों a स्क्वायर होगा? क्योंकि इसकी ईच साइड a है, तो यहां पे राइट कर देंगे। फिर अब इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से इतना एरिया, इतना एक ये रेक्टेंगल का एरिया और ये रेक्टेंगल का एरिया, ये हमको माइनस करना है जब भी हम इसके बराबर आएंगे, तो इसको माइनस कर दे तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? क्योंकि लेंथ है बी और ब्रीथ है इसकी ए, तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी ए इंटू बी। इसी प्रकार इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? इसकी ब्रीथ है बी और लेंथ है ए माइनस बी, तो इसका एरिया हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बी। इसको हम सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया यहाँ राइट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट किया माइनस ए इंटू बी, फिर सब्ट्रैक्ट किया बी, इस रेक्टेंगल का एरिया राइट करेंगे ए माइनस बी। अब जैसा कि ये लिखा हुआ है इसको नीचे ऐसे ही लिख देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल, ये इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, माइनस ए बी को भी ऐसे ही लिख देंगे। अब इस माइनस बी का मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे ब्रैकेट ब्रेक करके, तो माइनस और प्लस का ए जब इनटू होगा तो माइनस का ए बी हो जाएगा। इसी प्रकार इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, और बी का बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको वैसे ही राइट कर देंगे जैसे लिखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर को सेम लिख देंगे,
अब ये सेम वेरिएबल हैं और सेम साइन के हैं, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 2ab और b स्क्वायर को सेम लिख देंगे, प्लस का b स्क्वायर। तो इस प्रकार दोस्तों हमने a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को प्रूव किया। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को फिगर के फॉर्म में प्रूव करके दिखाया, अब इसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में प्रूव करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं। तो a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसमें दो वेरिएबल की वैल्यू लेंगे, एक वेरिएबल a है और एक वेरिएबल b है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि a की वैल्यू 3 होगी और b की वैल्यू 2 होगी। आइए अब हम इसकी जगह a और b की वैल्यू रखते हैं। तो a की जगह हम रखेंगे 3, तो यहाँ पे 3 रख दिया, माइनस लगा है माइनस लगा दिया। अब b की जगह क्या रखेंगे, 2, तो 2 रख दिया। और जैसा इसमें होल स्क्वायर लगा है होल स्क्वायर लगा दिया, इक्वल लिखा हुआ है इक्वल रख देंगे। अब यहाँ पे a की जगह रखेंगे 3, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर लगा हुआ है। अब यहाँ साइन माइनस का लगा है तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। 2 लिखा हुआ है जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे इनटू, अब a की जगह क्या रखेंगे, हमने वैल्यू एज्यूम की है 3, तो 3 रख दिया। b की जगह क्या रखेंगे, वैल्यू एज्यूम की है 2, तो इनटू 2 रख दिया। प्लस लगा है प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे b की जगह क्या आएगा, 2, क्योंकि हमने वैल्यू 2 एज्यूम की है। और b में क्या लगा हुआ है स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। अब इसको हम आइए सॉल्व करते हैं। 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और जैसा इसमें होल स्क्वायर लगा है होल स्क्वायर लगा दिया, इक्वल 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस। अब इस पूरे नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 2 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, यहाँ पे 12 राइट कर देंगे। प्लस का साइन लगा है प्लस का साइन लिख देंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसके बाद हम 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इक्वल। अब यहाँ पे से ये प्लस का 9 है और ये प्लस का 4 है, तो सेम साइन के नंबर सबसे पहले हम ऐड कर देते हैं। तो 9 प्लस 4 13 माइनस 12, 13 में 12 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू 1। तो इस तरह 1 इक्वल्स टू 1 ये प्रूव करता है कि ये a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।